नमस्ते गाइस, आशीष ये पर नमस्ते टेक। और इस वीडियो में हमारे पास वीवो का V15 Pro है। कई लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इसका फेस अनलॉक कैसे काम करता है, स्पेशली लो लाइट में, क्योंकि एक फ्रंट कैमरा है, पॉपअप है, तो इसका फीचर कैसा है, ये कितना फास्ट है। इस तरह के कई सवाल हमारे पास आए हैं। इस वीडियो में मैं उन्हीं सवालों को आंसर करने का अटेम्प्ट करूंगा। शुरू करने से पहले, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करिएगा कि सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। मैं जो इस वीडियो में अटेम्प्ट करने वाला हूँ उसके बारे में आपको ब्रीफ में एक चीज़ बता देता हूँ। एक तो मैं नॉर्मल फेस अनलॉक ट्राई करूँगी जो कि फुल लाइट में होगा, जो कि आप देख रहे हैं। दूसरा जो अटेम्प्ट होगा वो बिल्कुल लो लाइट में होगा। उस समय मैं कैमरे का जो ISO है, जिसको बोलते हैं, जिससे कि लाइट टेकिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, उसको मैं बढ़ा दूंगा ताकि आपको एटलीस्ट कुछ दिख पाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से सेटअप किया है कि जैसे ही मैं लॉक प्रेस बटन दबाऊंगा ये ऑटोमेटिक फेस रिकॉग्निशन शुरू कर देगा। तो जैसे कि प्रेस करता हूं और ये अनलॉक हो गया। आपने देखा काफ़ी फास्ट, आई थिंक विद इन 1 सेकेंड होगा। पॉपअप कैमरा 0.5 सेकेंड लगाता है और ये ऑटोमेटिकली अनलॉक कर देता है। अगर मैं कैमरे की तरफ न देखूं और लॉक बटन दबाऊं तो ये फेस अनलॉक नहीं होगा, बट जैसे ही मैं देखूंगा ये फेस अनलॉक हो जाएगा। अब मैं आपको इसको मल्टीपल टाइम्स करके दिखा देता हूं। तो ये कुछ सेकंड रुकता है फेस अनलॉक के लिए। और ये अनलॉक हो गया। जैसे ही ये रिकॉग्नाइज कर लेता है ये ऑटोमेटिक अनलॉक कर देता है। अब हम चलते हैं लो लाइट की तरफ। तो मैं यहाँ लाइट्स ऑफ करूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। उसके बाद मैं ISO बढ़ा के आपको थोड़ा सा और रिविलेशन दूंगा कि फ़ोन में आपको दिख सके कि वहाँ फ़ोन में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मैं लाइट्स बंद कर दे रहा हूं। तो अब जो आपको दिख रहा होगा फ़ोन का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा होगा, और मैं ये लॉक कर चुका हूं फ़ोन को, और अब मैं अनलॉक करूंगा। और आपने देखा फ़ोन का स्क्रीन जो पहले कुछ था अब कुछ आइकन्स दिखाना शुरू कर देगा। तो ये लो लाइट में, एक्सट्रीम लो लाइट में भी काम करता है। अब मैं कैमरे का ISO बढ़ाऊंगा ताकि आपको फ़ोन दिख सके और उसका पॉपअप कैमरा निकलते हुए दिख सके। अब होपफुली आपको फ़ोन दिख रहा है बड़े आराम से, उसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिख रहा है। मैं डार्क में ऑब्वियसली दिख रहा हूँ। तो अब मैं फ़ोन की तरफ देखूंगा और अनलॉक बटन प्रेस करूंगा, और आप देख सकते हैं कि फेस अनलॉक एक्सट्रीम लो लाइट में भी काम कर रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी लाइट अभी आपको वीडियो में दिख रही है वो कैमरे का ISO बढ़ाने के कारण है। तो जो स्टूडियो के नीचे से लाइट आ रही है सिर्फ वही है। तो ये लो लाइट कंडीशन को रेप्लिकेट कर रहा हूँ मैं, और अब मैं नहीं देखूंगा कैमरे की तरफ, और अब देखता हूं तो ये अनलॉक हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप बहुत देर तक कैमरे की तरफ नहीं देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक पिन का ऑप्शन दे देगा, क्योंकि फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। फिंगरप्रिंट अगर आप यूज़ नहीं करेंगे और की इनपुट भी नहीं देंगे तो ये फ़ोन ऑटोमेटिक कुछ सेकेंड्स में लॉक हो जाता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको पॉपअप कैमरा निकलता हुआ दिख रहा होगा यहां पे। अरे बिल्कुल अंधेरे में परफेक्टली काम करता है। थोड़ा सा जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो थोड़ा यूज टू होने वाली बात है, आपको लगेगा कुछ निकल रहा है, कैप्चर कर रहा है आपका फेस, लेकिन ये बहुत परफेक्टली काम कर रहा है। अब मैं वापस लाइट्स ऑन कर दे रहा हूं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से फेस अनलॉक काम करता है लो लाइट में भी बड़े आराम से, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लो लाइट में काम करता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये आपके स्क्रीन के भी लाइट को यूज़ करता है, बट अगर वो भी कम है तब भी ये फेस अनलॉक बड़ा आराम से कर जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन था कि फेस अनलॉक फास्ट है कि नहीं है, तो फास्ट तो ऑब्वियसली है ही, और ये लो लाइट में भी बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पर और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए। देखने के लिए धन्यवाद।